एंड डेवलपर्स एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन, और इस कंपनी को मैं पहले नहीं दे पा रहा था क्योंकि ये 200 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे थी, और फिर अब धीरे धीरे ये अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा और कुछ फोटोकॉपियर्स और ये सब से रिलेटेड स्टॉक था, तो मैंने इस स्टॉक को थोड़ा सा कम रिकमेंड किया। रीजन बीइंग कि ठीक है, लॉक अनलॉकिंग थोड़ा ये सब चल रहा था, तो अनलॉकिंग थीम के हिसाब से दू, और अब जब सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई है, ये कंपनी बहुत बेहतरीन है और काफी पुरानी कंपनी है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंटली क्या, नाम सुनने में नहीं आता, छोटी कंपनी है तो लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बट मैं इसकी रेटिंग्स देख रहा था तो रेटिंग से और कॉन्फिडेंस आता है, रेटिंग्स अपग्रेड हुएंगे। और स्टॉक का मतलब अब मैं काम बता देता हूं, ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इन कंपैटिबल टोनर्स, मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कंपैटिबल टोनर्स फॉर यूज इन लेजर प्रिंटर्स और न्यू एज डिजिटल मशीन में जो प्रिंटर वो टोनर्स लगते हैं। तो इस तरीके का ये कंपनी कलर टोनर जो लेजर प्रिंटर्स में हम डालते हैं, तो हालांकि टॉप लाइन बहुत बड़ी नहीं है मगर कंपनी का काम बहुत बड़ा है और बहुत पुरानी कंपनी है जैसा कि मैंने कहा। और आप ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंटली इनकी दो यूनिट्स है रामपुर में, जहां पे हमारी एक कंपनी रेडी को खेतान भी रामपुर डिस्टिलरी जिसका पूरा नाम है, वहां से ये कंपनी है, और दो यूनिट्स है इनकी सितारगंज उत्तराखंड और वहां पे। और अब ये देखिए मैं इनकी फंडामेंटल्स में बात करता हूं, मैं तो 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, डिविडेंड बहुत बढ़िया देती है, 1.61% का डिविडेंड यील्ड है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि आप इंपॉर्टेंट ये है कि छोटी कंपनी होती है तो रेटिंग्स देखना जरूरी है, आप उसकी डेट्स को देखना जरूरी है, तो जीरो डेट कंपनी है और साथ में रिजर्व्स को देखना जरूरी है, जो कि बुक वैल्यू अगर देखते हैं हम तो 1.28 का ही बुक वैल्यू है, मतलब जो सामान दिख रहा है जो मार भाव दिख रहा है वो ऑलमोस्ट उसमें कंपनी के पुराने कमाए हुए पैसे भी दिख रहे हैं। अब मैं सेप्टेम्बर के क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया मुझे कि 2.5 करोड़ का पैट था पिछले सेप्टेम्बर में 2.56, उसके सामने इस सितंबर में 5.15 करोड़, तो यानी कि डबल प्रॉफिट्स हुआ है। और टॉप लाइन जो देखिए आप 200 करोड़ की कंपनी है, 16 करोड़ का पैट कंपनी टीटीएम बेसिस में कमाई है, एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का अब कारोबार और फैलेगा और जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट और एफिशिएंसीज बढ़ा रही, क्योंकि मुझे इनकी मार्जिन भी बहुत बढ़िया लगी, ओपीएम मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% की ओपीएम मार्जिन पे कंपनी काम करती है, और फिर मैं देख रहा था प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो अराउंड 69-70%, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें भी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स एंट्री लिए हैं, सो जिससे और कॉन्फिडेंस आता है। सो आई फील कि अच्छी खासी कंपनी, अच्छा फंडामेंटल, जीरो डेट कंपनी और अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी को इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये अगर पिछले एक साल में देखें तो बहुत चला नहीं है स्टॉक, क्योंकि लॉकडाउन से काफी इंपैक्टेड था और फिर भी मैनेज किया परफॉर्मेंस देने में, और पिछले एक साल में कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट की मतलब ग्रोथ नहीं रही है स्टॉक प्राइस में, इसलिए मुझे और कॉन्फिडेंस आता है ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और ऊपर के लेवल से 220 का दिखाया हुआ है, उसके सामने ठीक ठाक से लेवल्स है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से 230 का पहला टारगेट, 250 का दूसरा टारगेट खरीदना चाहिए। और 320 रुपए का लेवल ये 2018 में जनवरी 5 तारीख को दिखाया हुआ जब मिड कैप स्मॉल कैप में ड्रीम रैली चली।